और कैसे सारे लौंडे लपाटे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैसैक्टोमी या नसबंदी के बाद आपका बॉडी बिल्डिंग का करियर खत्म हो जाता है टेस्टोस्टेरोन बनता है या नहीं बनता है सारे मिथ्स मैं क्लियर करूंगा आपको मैं वो चीज़ देता हूं जो आपको चाहिए लेकिन आप मुझे वो चीज़ नहीं देते हो जो मुझे चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमेशा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे बहुत सारा आपका शिकायत रहता है ये वीडियो बनाओ वो वीडियो बनाओ सारा वीडियो डाल दिया गया है आप जस्ट बेल पर क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बात करते हैं फैसेक्टोमी या नसबंदी ये आपके बॉडी बिल्डिंग पे क्या असर डालता है इसको करने के बाद क्या आप अपना बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखते हो वैसेटोमी होता क्या है इसको समझना पड़ेगा वैसेक्टोमी ये नसबंदी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे दो वैस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है जो हमारे टेस्टिकल से स्पर्म को हमारे पेनिस तक यूरेथ्रा ट्यूब में ले जाते हैं इन दोनों वैस डिफरेंस को कट करने के बाद जो इस्पर्म हमारे पेनिस तक नहीं पहुंचता है उस वक्त हमारा सेमेन तो निकलता है लेकिन उसमें जो स्पर्म है वो नहीं रहता है और जो स्पर्म है वो बॉडी में वैस डिफरेंस को कट कर देने के बाद वो या तो मर जाता है या फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है फैसअक्टोमी नसबंदी दो तरह से परफॉर्म किया जाता है ये कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होता है यहाँ पर आपके जो जूथ्रा रहता है वहाँ पर लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है इसका जो प्रोसेस होता है ये दो तरह का होता है एक स्कैल्पल होता है जो कट करके किया जाता है ओल्ड तरीका है एक होता है नॉन स्कैल्पल जो एक होल बनाकर मशीन के ज़रिए आपके वैस डिफरेंस को कट करके सील्ड कर दिया जाता है अगर आपका एक वैस डिफरेंस कट करके दूसरा भैस डिफरेंस कट नहीं होता है तो भी आप इस पर प्रोड्यूस करोगे अपने सिमेंट में और प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों वैस डिफरेंस को कट करना ज़रूरी है बात करते हैं कि जो वैसेप्टोमी है इससे बॉडी बिल्डिंग केरियर पर मसल बिल्डिंग टेस्टोस्टोन जो आपके ब्लड में बनता है मिक्स होता है टेस्टिकल्स के जरिए बनने के बाद तो इसमें कुछ चेंजेस आता है या नहीं अकॉर्डिंग टू रिसर्च आपके लिबिडो में कोई चेंजेस नहीं आता है एंड जो आपका सेमेन है उसी तरह का वो थिक होता है उसी तरह का स्मेल आता है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है सो so, जो वैसेक्टोमी है इससे आपका मसल बिल्डिंग या टेस्टस्ट्रोन लेवल पे कोई असर नहीं पड़ता है कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं आता है तो आपको रूमर्स पे नहीं विश्वास करना चाहिए जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वैसेक्टोमिक का मसल बिल्डिंग या आपके बॉडी बिल्डिंग करियर पे कोई असर नहीं पड़ता है आप इजीली करवा सकते हो अगर आपको ज़रूरत है करवाते कौन हैं जिनको ये लगता है कि उनके वाइफ को अगर प्रेगनेंसी होगा तो कुछ हेल्थ इश्यूज होगा या फिर उनके वाइफ को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है अगर इन्फेंट होते हैं तो उसमें वो ट्रांसमिट हो जाएगा एक ये रहता है या बहुत सारे बंदों को कॉन्डोम पहनने में अच्छा नहीं लगता है या फिर उनको मैक्स प्लेजर नहीं मिलता है तो वो करा लेते वैसे्टोमी कराना तो आसान है लेकिन इसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है अगर आपने वैसेक्टोमी एक साल पहले कराया है तो फिर आप रिवर्स प्रोसेस करा सकते हैं मतलब कि जो वैस डिफरेंस है वहाँ पर आप वो दोबारा सील्ड को हटाकर कर उसको ठीक कर सकते हैं और आपका जो टेस्टिकल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है वैस डिफरेंस के ज़रिए आपके यूरेथ्रा में जाता है और आपके पेनिस से सेमिन में, में सेमिन के साथ निकलता है लेकिन जब ये ज़्यादा ओल्ड हो जाता है उस वक्त आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो ऐसे बंदों को नहीं कराना चाहिए जिनको लगता है कि फ्यूचर में उनको बेबीज चाहिए या फिर मल्टीपल पार्टनर है उनके या फिर उनको किसी अदर पार्टनर से फ्यूचर प्लानिंग करना है तो उनको बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए क्योंकि रिवर्स होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सो so, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैसेटोमी का हमारे बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और हमारे लिविडो पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है एंड ये प्रूफ किया गया है एंड आप रिसर्च भी कर सकते हो सो so, ऐसे मित में ना ना कि मसल बिल्डिंग रुक जाता है बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हो ये प्रूवन है कि फैसेक्टोमी का मसल बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है एंड आपका जो ब्लड में टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी सेम होता है जस्ट आपके फैस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है ताकि वहाँ से स्पर्म आपके आपके पेनिस तक ना पहुँचे सो दैट इज़ देयर मैंने एक छोटे से वीडियो में एक छोटा सा मिथ क्लियर किया कि वैसेक्टोमी का आपके बॉडी बिल्डिंग पर या मसल बिल्डिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जो रेड बटन निकल गया है उसको भी ज़रूर दबाना